रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के लेह पहुंचे, जहां वो सियाचिन में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों से मिले और उन्होंने बातचीत की। बताते चले कि होली के अवसर पर राजनाथ सिंह का सियाचिन जाकर सैनिकों के साथ त्योहार मनाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका ये कार्यक्रम स्थगित हो गया था। उस वक्त रक्षा मंत्री लेह में ही सैनिकों के साथ होली मनाकर लौट गए थे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए। बता दें कि अपने ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने अप्रैल 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने सियाचिन में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। पिछले साल जनवरी में सेना के इंजीनियर ऑब्जर्व कोर से कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में एक अग्रिम पंक्ति की चौकी पर तैनात किया गया था, जो कि प्रमुख युद्ध क्षेत्र में किसी महिला सेना अधिकारी की पहली ऐसी परिचालन तैनाती थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवा। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सबके बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यह परंपरा आपके यहाँ भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौ सैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद